शेख साहब, जैसे अभी आपने बताया कि एक मर्द बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो 15 मिनट भी किसी बच्चे को संभाले, और हमारे यहाँ बड़ा एक मकोला मशहूर है कि खिलाओ जो सोने का निवाला और देखो शेर की आँख से। तो इसको बुनियाद बनाकर अक्सर जो है वो मर्द इसको अगर बुनियाद ना भी बनाए, तो मैं चूँकि एक मर्द हूँ तो बच्चों से उस तरह से प्यार करना जैसे कि एक माँ करती है, वो हमारे यहाँ मर्दों का नज़र नहीं आता, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तो हमें सीरत से कुछ और वाकयात मिलते हैं। हाँ, मतलब शेर की निगाह से देखने वाला जुमला, क्योंकि बाद में है ना, तो जी शायद वही रह जाता है। जी हाँ, वो पहला जुमला क्या पहला था? सोने वाला का निवाला। हाँ, तो वो याद क्यों नहीं रहता हमें? यानी अगर वो सही हो रहा हो तो फिर शायद शेर का देखना, यानी शेर की निगाह का देखना उसकी हाजत पेश है। ना है इसका मतलब हमने खुद ही पहले अपने आप को नेगेटिव अप्रोच पे रखा हुआ है कि जी, जब तक मैं ये नहीं करूंगा मेरे बच्चे ने सीधा नहीं होना। नहीं होना हालांकि हम भूल जाते हैं वो मेरा बच्चा है, यकीन। तो माफ कीजिएगा, तो फिर किसी टेढ़ा का बेटा भी टेढ़ा ही होगा। यकीन है, इस पर कोई दो राय नहीं तो है मतलब ये कि थोड़ी क्लैरिटी रखें, तो सोने का निवाला वो पहले है, जी। मुराद है कि तरगीब है, तशवीक है। हाँ, कभी निगाह रखने की जरूरत पेश आती है, नरमी सख्ती का इम्तिजाज जरूरी हुआ करता है, लेकिन एक थानेदार की शक्ल इख्तियार कर लेना। और जैसे शौहर घर में दाखिल हो, बाप घर में दाखिल हुआ, बच्चे कोने में कहीं दबक गए, ये तो जुल्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लल्लाहु जब अलैहि पता वसल्लम चला कि एक साहब अपने बच्चों के साथ कोई नरमी वाला मामला नहीं करते, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम एक सल्लल्लाहु जिम्मेदारी अलैहि देना वसल्लम चाहते थे। आपने उनको कहा कि तुम्हें मैं ये जिम्मेदारी नहीं दूंगा, जो अपने बच्चों के साथ नरमी नहीं करेगा वो किसी और के साथ क्या नरमी करेगा। यही बेशक वजह है कि हमारे यहाँ बहुत सारी दीनी जमातों में जब जिम्मेदारान बनाए जाते हैं, लोगों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो बड़े और बुजुर्ग ये भी देखते हैं कि भाई ये शादीशुदा है है कि कि नहीं नहीं। है। शादीशुदा होगा तो कुछ ना कुछ इसको एहसास, मुरव्वत, मोहब्बत, शफकत, नरमी वगैरह का अंदाजा होगा, वरना तो पता नहीं जिसको ये अंदाजा नहीं होगा क्या से क्या ना कर जाए। तो ये बेशक जिम्मेदारी देते वक्त भी देखा जाता है कि बंदा शादीशुदा है कि नहीं, जिसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशन ये है, नरमी होनी चाहिए, शफकत होनी चाहिए, इम्तिजाज जरूर होगा। जी ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल खुला ढुला माहौल हो जाए और बच्चे जो चाहें सो कर रहे हैं, वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। मगर बुनियाद थानेदारी के अंदाज की ना हो, बुनियाद अव्वलन नरमी, शफकत और मोहब्बत की होनी चाहिए।